ही सोचा है कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी का लाइफस्टाइल कैसा होता है या आपके पसंदीदा क्लब के सीक्रेट ट्राइंग वीडियो कैसे दिखते हैं। अब आप स्पोर्टलिया के साथ इन सब को देख सकते हैं। सिर्फ 59 रुपए से शुरू होने वाली मेंबरशिप के साथ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, गिफ्ट और बहुत कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही स्पोर्टलिया ज्वाइन करें और खेल की दुनिया के अनदेखे पहलुओं का मजा लें। आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ISL सीजन 10 में अनगिनत गोल स्कोर करके सभी इंडियन फुटबॉल के फैनों को इम्प्रेस कर दिया है। कौन है वो प्लेयर, कौन सा टीम में खेलता है वो सभी प्लेयर, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्पोर्टलिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए हम हमारा वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी भाई, हमने तो ISL सीजन 10 में बहुत सारे खिलाड़ी को देखा है जिन्होंने बहुत सारा गोल स्कोर किया है। अभी भी टॉप 5 गोल स्कोरर के रूप में हमें दिखाई दिया है केरला ब्लास्टर FC के डियामांटाकोस, रॉय कृष्णा, डिएगो मारिसियो, नोहा सिद्धू, कार्लोस मार्टिनेस, थिमी पेट्रस और जेसन कमिंग जैसे खिलाड़ी। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गोल तो स्कोर किया ही है और अपने परफॉर्मेंस से पूरे फैनों को अट्रैक्शन कर दिया है। तो जी हाँ, पहले नंबर पे आता है केरला ब्लास्टर FC के स्ट्राइकर, मतलब केरला ब्लास्टर FC के स्टार खिलाड़ी डियामांटाकोस। जी हाँ भाई, डियामांटाकोस आप सभी जो जानते होंगे एक बेहतरीन स्ट्राइकर। जी भाई, केरला ब्लास्टर FC के तरफ से इन्होंने 2 साल खेला है और ISL सीजन 10 में इन्होंने अभी तक 13 गोल स्कोर करके अभी तक गोल्डन बूट के रेस में टॉप पर है। जी भाई, डियामांटाकोस काफ़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और केरला के तरफ से इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मैच खेला है और केरला ब्लास्टर FC के सभी फैनों को, मतलब फैनों को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया है डियामांटाकोस। अभी भी एक खिलाड़ी ISL सीजन 10 में अभी भी गोल्डन बूट के रेस में शामिल है भाई डियामांटाकोस जैसे खिलाड़ी। बहुत काबिले तारीफ वाला खिलाड़ी है। केरला ब्लास्टर FC के इवान फिकोमानोविक्स के अंदर इन्होंने बहुत सारा मैच खेला, लगभग 2 सीजन, और इस साल थोड़ा सा इंजुरी के प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा गुजर रहा था, लेकिन इस सीजन भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है डियामांटाकोस ने। और इस सीज़न ISL में इन्होंने 13 गोल स्कोर किया भाई, 13 गोल, मतलब काबिले तारीफ वाला खिलाड़ी है डियामांटाकोस। जिया उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है रॉय कृष्णा। जिया भाई, रॉय कृष्णा जिया भाई काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, मतलब इन्होंने ISL में लगभग 5 सीज़न खेला है। ATK में खेला, मोहन बगान में खेला, बेंगलुरु में खेला और अभी उड़ीसा के तरफ से खेल रहा है। मतलब पिछले साल इन्होंने बेंगलुरु के तरफ से एक बहुत ही फ्लॉप खिलाड़ी साबित हुआ था, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस इनसे हो ही नहीं रहा था और बहुत कम गोल स्कोर किया था लास्ट सीजन बेंगलुरु के तरफ से। मतलब अभी इस खिलाड़ी ने सार्जियो लोबेरा के अंदर इतना ज़बरदस्त कमबैक किया है कि इस सीजन इन्होंने ISL में 12 गोल अभी तक स्कोर किया है रॉय कृष्णा ने, और फिर से कमबैक किया है इन्होंने अपने परफॉर्मेंस पर, और अभी तक इन्होंने सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है ISL सीजन 10 में, और इस सीज़न ये गोल्डन बूट के रेस में भी शामिल है। मतलब 5 सीज़न बहुत इनका हिस्ट्री गया है और अभी तक इनको गोल्डन बूट नहीं मिला है, और लेकिन इस साल बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इनके पास। नेक्स्ट जो मैच है मोहन बगान के अगेंस्ट, वहाँ पे अगर वो 2 गोल स्कोर कर देगा तो रॉय कृष्णा डियामांटाकोस से आगे जाएगा और गोल्डन बूट के सबसे बड़े दावेदार खिलाड़ी बन जाएगा रॉय कृष्णा। मतलब काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, फिजी से बिलोंग कर रहे हैं, ATK में खेला, मोहन बगान में खेला, बेंगलुरु में खेला और अभी उड़ीसा FC के तरफ से खेल रहा है। बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी है, काफ़ी कमाल का फिजी का ये खिलाड़ी, मतलब अभी 12 गोल है उड़ीसा FC के साथ इनका। तो उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर टॉमी यूरिक्स। ये भाई, टॉमी यूरिक्स का नाम अगर मैं ना लूँ तो बहुत बड़ा गलत होगा, क्योंकि इन्होंने
सिर्फ 6 मैच में 5 गोल स्कोर करके सभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैन और आईएसएल के फैनों को पूरी तरीके से खिला दिया है। मतलब 6 गेम 5 गोल, अगर ये खिलाड़ी ये बंदा अगर मतलब आईएसएल के हर मैच खेल जाता ना, मतलब कितना गोल स्कोर करते हैं आप, अमेजिंग करिए। मतलब 6 मैच 5 गोल और बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप खेला 2018 में, उसके बाद एएफसी एशिया कप जीत चुका है, उसके बाद एएफसी क्लब चैंपियनशिप जीत चुका है। बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी है टॉमी ज्यूरिख, अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब एक बहुत ही कमाल का खिलाड़ी, जब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में इन्होंने कमबैक किया तब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का रंग ही बदल गया था। मतलब एक ही पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस साल क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन अगर इनको और भी ज़्यादा गेम टाइम मिलता, मतलब ये और भी बड़ा बड़ा स्कोर करता, और मेरे हिसाब से अगर ये बांडा अगर और 5-6 मैच खेल जाता ना, तो यही मेरे हिसाब से गोल्डन बूट का दावेदार बनता टॉमी ज्यूरिख। आपका राय बताइए, क्या नेक्स्ट सीजन आईएसएल 11 में टॉमी ज्यूरिख गोल्डन बूट ले पाएगा? आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मतलब काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है भाई टॉमी ज्यूरिख, मैं क्या ही बताऊँ। और शायद नेक्स्ट सीजन भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ये खिलाड़ी कंटिन्यू करेगा, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन तो अगर कंटिन्यू करेगा ना, स्टार्टिंग से खेलेगा ना, तो ये बंदा जरूर गोल्डन बूट के लिए चला जाएगा। बहुत ही कमाल का खिलाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है एफसी गोवा के कार्लोस मार्टिनेज। मतलब ये बुड्ढा हो गया है, मतलब गोल काफ़ी कमाल का स्कोर करते हैं भाई। इनका एज अभी 37 से भी ज़्यादा है, और मतलब गोल काफ़ी कमाल का है। मतलब इनका रिटायरमेंट का बॉक्स आ गया है, और अभी इन्होंने आईएसएल सीजन 10 में 10 गोल स्कोर किया है, और काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है। स्पेनिश खिलाड़ी है, बहुत ही थासू माइंडसेट का खिलाड़ी है, और इन्होंने इस साल पहली बार आईएसएल में खेला है, और पहली बार में ही एफसी गोवा हो आईएसएल की है, सभी फैनों को अपनी तरफ खींच लिया है। मतलब इनका परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूँ ना, काफ़ी काबिल तारीफ वाला खिलाड़ी है कार्लोस मार्टिनेज। बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी है, और बहुत सारा इन्होंने बड़ा बड़ा मैच खेला है, और इस साल इन्होंने 10 गोल अभी तक स्कोर किया है, और भी मैच बाकी है सेमीफाइनल का, और मुझे उम्मीद है और भी ये बंदा गोल स्कोर करेगा। अभी इनका एज है 37 से भी ज़्यादा, मतलब आईएसएल के सीजन 10 में सबसे बूढ़ा खिलाड़ी है कार्लोस मार्टिनेज, और इनका बुढ़ापन तो है ये, और गोल मतलब गोल क्या गोल स्कोर करता है, क्या गोल स्कोर करता है, मतलब दिल से प्यारा है ये खिलाड़ी, बहुत ही कमाल का है। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है नंबर 5 पे जेसन कमिंग्स। मतलब ये खिलाड़ी अभी तक 10 गोल स्कोर कर चुका है भाई, 10 गोल, आईएसएल के सील जीता, और अभी ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट मैच उड़ीसा के अगेंस्ट है, और इन्होंने जाप एंटोनियो लोबेस के अंदर खेलना स्टार्ट किया, तब से गोलों का बारिश करना ये खिलाड़ी शुरू कर दिया। इन्होंने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, और जेसन कमिंग यंग खिलाड़ी है, और मोहन बगान की तरफ से इन्होंने इस साल 10 गोल स्कोर कर दिया है, और सभी फैनों को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर दिया है। जब बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है जेसन कमिंग, पेट्रोटोस का जूरी मैं कभी नहीं भूलूंगा, और दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, और पेट्रोटोस भी काफ़ी कमाल का गोल स्कोर है। नोहा सिदो है, डियोगो मरिस है, लेकिन हमने टॉप 5 खिलाड़ी को इस लिस्ट में पिक किया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया इस साल, और सभी फैनों को अपनी तरफ अट्रैक्शन किया है। वो था जयमानता को, रॉय कृष्णा, कार्लोस मार्टिनेज, टॉमी ज्यूरिख और जेसन कमिंग। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है इन 5 खिलाड़ी में से, आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल्स की थैंक यू। सोचा है कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी का लाइफस्टाइल कैसा होता है, या आपके पसंदीदा क्लब के सीक्रेट ट्राइंग वीडियो कैसे दिखते हैं? अब आप स्पोर्टलिया के साथ इन सबको देख सकते हैं। सिर्फ 59 रुपये से शुरू होने वाली मेंबरशिप के साथ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, गिफ्ट और बहुत कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही स्पोर्टलिया ज्वाइन करें और खेल की दुनिया के अनदेखे पहलुओं का मजा लें।